बारिश आने लग गई है। नीचे स्वीटी को छोड़ने आई थी, इसके डैडी आ गए थे ड्यूटी करके, वो लेके चले गए। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, मेरे कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहा। बारिश रुकेगी तो कपड़े सूखेंगे मेरे, सारे कपड़े ऐसे ऐसे रखे। कपड़े सूख जाए उसके बाद रोज आए बारिश तो कोई बात नहीं। मौसम बहुत ज्यादा वैसा हो रखा है। हस्बैंड ने मेरे हाथ में ये ले लिए, उसे ऐसे दिख नहीं रहे। मैंने ड्यूटी का बैग दे दिया मेरे को और मैं अम्ब्रेला लेके गई थी साथ में, यहाँ बारिश आए तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो? आप करती हैं, आप सब अच्छे होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सारा काम कर दिया, झाड़ू पोछे सफाई वगैरह सारा कर दिया। स्वीटी स्कूल गई, स्वीटी के आपने देखा होगा, स्वीटी के डैडी आ गए थे नाइट ड्यूटी करके आ गए थे, तो फिर वो ही मैं जा रही थी नीचे, तो उन्होंने कॉल कर दिया था मैं लेके चला जाऊँगा स्वीटी को, तो फिर वो छोड़ के आ गए थे। छोड़ के आने के बाद चाय नाश्ता किया फिर उन्होंने, और चाय नाश्ता करके फिर वो सो गए। अभी सो रहे हैं वो, और अभी 11 बजने वाली, 10:30 बज रही है, 11 बजने वाली है। तो अब मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और बस ड्रेस चेंज करनी है मेरे को। ड्रेस चेंज करने के बाद स्वीटी को लेने जाना है मेरे को। आज सिर भी धोया है मैंने, तो एक सेकेंड, आज मेरे सिर भी धोया है तो उसको सुखा रही थी। अब मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर स्वीटी को लेके आती हूँ बाबू को, उसके डैडी के पास मोबाइल देके, उसके डैडी सोए रहेंगे और मैं उसको मोबाइल दे दूँगी, वो सोए सोए मोबाइल देख लेंगे। उसके डैडी तो उठेंगे नहीं, उनको बहुत नींद आ रही तेज, पूरी नाइट सोए नहीं थे ना। तो फिर अब पता नहीं बारिश के क्या हो गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। कपड़े सुखाने मेरे पहले के 2 दिन के रखे हैं, वो कपड़े मशीन में डाल रखे हैं। आज सैटरडे तो आज स्वीटी की डैडी की ड्यूटी की यूनिफॉर्म धोनी मेरे को, और उसको भी सुखानी पड़ेगी। सैटरडे संडे ही होता है सुखाने का टाइम, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी भी बूंदे आ रही हल्की हल्की सी, मौसम भी कैसा रेंजे हो रखा है। और आज अभी खाना नहीं बनाया मैंने, चाय नाश्ता कर लिया। नाश्ते मैंने पोहे बनाए थे तो पोहे खा लिए हमने। अब मैं स्वीटी को लेके आऊँगी, फिर सब्जी भी लाऊँगी। सब्जी भी कुछ नहीं रखी मेरे पास, अब देखती हूँ, खड़े नहीं होंगे जितने मैं कुछ बना लेती हूँ। फिर मैं बाबू अंदर, बाबू को रेडी नहीं किया, बहुत ठंडा मौसम है, उसको अभी मैं नहला नहीं रही इतनी जल्दी, कि बच्चे को डर रहता है कि फीवर वगैरह नहीं हो जाए, इस चक्कर में मिलता थोड़ा लेट स्वीटी को लेके आऊँगी, फिर उसके बाद दिला दूँगी उसको मैं। क्यों सिर धोने के बाद मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं पूरे करली करली से, बहुत ज़्यादा करली बाल है मेरे, बालों से दुखी हूँ मैं। हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे गिरते हैं पता नहीं बच्चे होने के बाद। पहले तो कुछ नहीं, पहले तो बहुत अच्छे बाल थे, जब से दोनों बच्चे हो उसके बाद ऐसे झड़ना शुरू हो गया। पीछे देख रहा कितना अच्छा लग रहा है मौसम वगैरह। क्यों पंछी कैसे उड़ रहे हैं, ऐसा मौसम हो रहा देखो बहुत ज़्यादा। चलो मैं ये मैं जा रही हूँ स्वीटी को स्कूल लेने के लिए। कल हमारे ज़्यादा बात ही नहीं हुई थी कुछ, हम फ्लाइट पे गए थे, थोड़ा सब काम और बचा है उसमें, अब देखते हैं क्या होता है। सोचते रहें जल्दी से जल्दी नवरात्रि में चले जाए, नवरात्रि में सबसे बेस्ट रहता है बताते हैं, सब बोल रहे हैं नवरात्रि में अच्छा रहता है। नवरात्रि में किसी मतलब किसी मौत वगैरह किसी चीज़ किसी की जरूरत नहीं है सर पूछने वगैरह, वैसे तो पंडित से पूछेंगे। ये आ गई हूँ स्वीटी को लेके अब मैं, अब इसको लिफ्ट के अंदर छोड़ देती हूँ, ये सब्जी वाले भैया को तो सब्जी लेके आ जाती हूँ मैं। Thank you.
बेटी को लिफ्ट में छोड़ दिया मैंने, अब सब्जी लेने के लिए जा रही हूँ मैं, और सब्जी ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या है जो सही मिल जाए। अभी ये कहाँ गए सब्जी वाले? ये ले ली मैंने सब्जी, रोज वाली वही, जैसे लहसुन प्याज आलू टमाटर। मैं बाल कैसे हो रहे, हवा में उड़ रहे हैं। जल्दी से घर पे जगह खाना बनाना है, सब्जी तो ले ली। अब फ्री होके अब रूम के अंदर आई हूँ, मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। अब मैंने खाना वाना सबको खाना वाना खिला दिया, मैंने दाल बनाई थी चने की दाल और उसके अंदर लौकी डाल के बनाई थी और पराठे बनाए थे, सबको खिला दिए। और बच्चे नीचे गए डैडी के साथ, पता नहीं किसी काम से गए, ऐसे घूमने के लिए नीचे गए। और मैं रेडी होके बैठी हूँ, आज ही मुझे नए जहाँ नया फ्लैट लिया ना वहाँ पर जाना, अब आना जाना लगा रहेगा थोड़े दिन तक, कुछ काम करवाना है तो अब वो जा रहे, मैं फ्री हूँ। तो हस्बैंड बोले आप भी चलो साथ में, बच्चे सो जाएंगे, मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, एग्ज़ाम थे आज, इंग्लिश का एग्ज़ाम था स्वीटी के, तो बोल रहे अच्छा वो मम्मा पेपर। अब वो गए आने वाले, फिर हम निकलते हैं, फिर बात करती हूँ। कल भी बारिश हो गई थी तो आपसे कुछ ज़्यादा बात नहीं करी थी वहाँ पे मैंने, अभी बारिश आ रही है, अभी बारिश रुकी नहीं है, आवाज़ आ रही शायद आगे। ठीक है तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये दोनों अपने लिए खाने के लिए लेके आ गए, डैडी के साथ गए थे जो, अब ये खाएंगे आराम से, मस्ती मत करना ओके बाबू, आप दोनों सो जाना ठीक है खा के ओके बाबू। क्या फोन देखोगे? ओहो फोन देखा, फोन सोना है, फोन कहाँ देखना है, थोड़ा सा देखोगे भी सो जाओगे। नीनी निकल गए हाँ बाबू, मम्मा भाई बोलो ना, बाबू भाई मत बोलो, बाय। मैंने ले लिया हेलमेट और रेनकोट ले लिया, बारिश आ रही है तो ज़्यादा आएगी तो पहन लूँगी, वरना मैं कहा दिखा देती हूँ, फिर मैं सारा सामान लेके खड़ी होंगी। आ गए भारत सिटी, जहाँ मैंने फ्लैट लिया हूँ आ गए, रिमझिम बारिश हो रही है और हस्बैंड अंदर किसी काम से गए हैं, मैंने सोचा मैं आपसे बातें करती हूँ जितने। उधर लिया, उस तरफ लिया है हमने प्लेट लिया है ना, उधर जाके पीछे होके फिर जाना रहता है। अभी आपको नहीं बताऊंगी मैं, जब शिफ्ट होंगी तभी देखूंगी, अभी आपके लिए सरप्राइज है। बता तो दिया है मैंने प्लेट ले लिया है, पर रूम अभी नहीं बताऊंगी, फ्लैट अभी नहीं बताऊंगी, जब हम रहने के लिए आएंगे शिफ्ट करेंगे उसी टाइम बताऊँगी आपको मैं, अभी यही सोसाइटी बताती हूँ खड़ी खड़ी। एक सेकेंड, ये जो सामने है इधर, ये सामने जस्ट दिख रहा है, उन्होंने हमें फ्लैट दिलाया था, वो ऑफिस है उनका फ्लैट वालों का। और ये है मेडिकल है सामने, और मेडिकल के पास में शॉप वगैरह है, किसी भी चीज़ की जो कुछ भी लेना हो, केक शेक या सब्जी वगैरह सारी अंदर ही। और वो पास में वो सैलून बड़ा वो दिख रहा है सैलून है, और इनके पीछे भी काफ़ी शॉप वगैरह है, वो मैं बाद में जब रहने लगूंगी तब बताऊंगी। मैंने सोचा मैं भी फ्री हूँ जितने थोड़ा सा बता देती हूँ आपको मैं। यहाँ नवरात्रि के फंक्शन की तैयारी चलने लग गई अभी से, अभी से नवरात्रि के फंक्शन की तैयारी, डेकोरेशन हो रहा है, नवरात्रि का फंक्शन होएगा तो तैयारी चल रही है अभी से यहाँ पे, मैं क्या बता दे। वैसे हम अभी रहते हैं मेट्रो स्टॉप क्वार्टर में, वहाँ पे भी नवरात्रि के फंक्शन वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा अभी नवरात्रि में लास्ट तक ही आ पाएंगे,
अभी टाइम लगेगा, तब तक वही पेंशन अटेंड करेंगे हम। बारिश आ रही है तो मैं अंदर चली जाती हूँ, मैं गीली हो जाऊँगी। यहाँ पे पीछे बोर्ड वगैरह लगा, दुर्गा पूजा वगैरह, दुर्गा पूजा के प्लॉट वगैरह के सबके बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं। चलो अंदर जाती हूँ मैं, बारिश आ गई है तो वहाँ जैसे मेरे को किसी भी चीज़ के लिए बाहर आना पड़ता था, मेडिकल जाना हो, सब्जी के लिए या बच्चों को कुछ चाहिए होता तो बाहर जाना पड़ता था, फ्लैट से बाहर जाना पड़ता था। और यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ अंदर ही सारी शॉप वगैरह है, तो फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा ज़्यादा दूर। वहाँ मुझे 5 मिनट के रास्ते में मुझे जाना पड़ता था, बच्चों के लिए कुछ लाना हो, कुछ भी करना हो। यहाँ तो चलो पीछे शॉप वगैरह सारी है, अंदर ही है, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। सिर भी दर्द होता है या पेट दर्द कुछ भी हो तो टैबलेट के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। वैसे तो हस्बैंड ले आते थे, पर जैसे अर्जेंट मुझे कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बाहर जाना पड़ता था। तो यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे पार्लर है तो पीछे वो दिख रहा है आपको, पार्लर अर्जेंट हो तो यहीं पर चली जाऊँगी। और सब्जी वगैरह कुछ लेनी होती पीछे ये दिख रहा है, यहाँ से ले लूँगी। और इधर मेडिकल भी है इस तरह, और सारी अंदर ही, बाहर निकलना नहीं पड़ेगा इतना मेरे को ना, रोज़ दौड़ दौड़ के बाहर जाना होता है ना, वैसे नहीं जाना होगा मुझे। चलो हस्बैंड आ जाए, देखती हूँ। कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जी है, बाद में भी यही सब्जी लेने लग जाऊंगी, इसीलिए आपको दिखाई थी कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जी है। पीछे खड़े हैं वो बातें कर रहे हैं, जिस जो फर्नीचर का हमारा काम करवा रहा है ना वो भैया पीछे ये येलो टी शर्ट में दिख रहा है ना, वही कर रहा है फर्नीचर का काम सारा, उन्हीं को दे रखा है, अच्छा भी कर रहे हैं। आगे कपड़े वपड़े चेंज किए, बच्चों को थोड़ा बहुत नाश्ता करवाया, फिर अब आके बिस्तर में बैठी। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही, बाहर 3 दिन से बारिश इतनी हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, मुझे तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो बिस्तर में आ गई मैंने, ऐसे इस तरीके से चद्दर ले रखा है, कंबल ले रखी मैंने। अब थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, सो के उठने के बाद चाय बनूँगी तब मिलूँगी। ओके, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे सोने की आदत है, दिन में थोड़ी देर के लिए नींद आ रही है मेरी आँखों में। सो के उठने के बाद चाय वाय बनाई, चाय बनाने के बाद अब खाने वाना बनाने आ गई किचन के अंदर में। कढ़ी बना रही हूँ एक तरफ माटी उबलने के लिए रख रखी है।
किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ नाइट वाली। आप खाना वाना सब खा लिया? बच्चे ने भी खा लिया, स्वीटी सो गई है, फिर जल्दी खड़ी हुई थी, फिर दिन में सोई नहीं थी, वो मैं बाहर चली गई थी, उसको सुलाया नहीं था मैंने आज, तो आज बाबू भी नहीं सोया, अब वो सो जाएगा, उसको दूध दे दिया, दूध पी रहा है, और चाय पीने के बाद सो जाते हैं। चाय दिखा देते हैं अभी, मेरे साथ पी लीजिए। ये मेरी है नाइट की चाय, मेरे बाबू के लिए दूध रखा है, अभी चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद हम सो जाएंगे। आज के वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। और आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, तो ज़्यादा कुछ वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, तो मैं जब फ्री होंगी तो अच्छे अच्छे बनाऊँगी। जब मैं नए प्लेट पर चली जाऊँगी उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनने लग जाएंगे, अभी थोड़ा बिजी हो ना। तो बाय।